और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसियों को धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जनगणना नहीं की जा सकती, ये मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ये ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए।